लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में बड़ा बदलाव आया है। एक नहीं, तीन तीन कंटेस्टेंट डेंजर जोन में पहुंच गए हैं। जी हाँ, इन तीनों को ही बहुत ही कम वोट मिल रहे हैं और 0.1 या 2% का मार्जिन जो है सामने आया है। तो कौन है ये तीन कंटेस्टेंट और कौन सा फेर बदल इस बार लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में हुआ है, मैं हिना कुमावत टीवी विंडो पर बताऊंगी। तो सुंबुल पहले की तरह अभी भी लीड कर रही है, नो डाउट कि सुंबुल को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। लेकिन सुंबुल के अलावा क्या अब्दू का जो प्रेडिक्शन था, जहां उन्होंने कहा था कि शालीन फिनाले वीक में जाएंगे, क्या ये प्रेडिक्शन सही है? क्योंकि शालीन नंबर दो पर है। जब ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड थे तब अर्चना नंबर दो पर थी, लेकिन अब शालीन नंबर दो पर है और तीसरे पर पहुंच चुकी है अर्चना गौतम। तो ये तो टॉप थ्री है। चौथे पर सौंदर्या, सौंदर्या को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, लेकिन जो बॉटम में पहुंच गया है उसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सृजिता को साजिद और टीना, इन दोनों से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों से ज्यादा वोट सृजिता को मिल रहे हैं, साजिद को टीना से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और टीना बॉटम में है, यानी कि टीना को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। तो क्या टीना बाहर होगी? मैं आपको बता दूं, सृजिता, साजिद, टीना, इन तीनों के ही वोट के मार्जिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन तीनों के वोट के मार्जिन में 0.1 या 2 का ही फर्क जो है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो टॉप पर सुंबुल, फिर शालीन, फिर अर्चना, फिर सौंदर्या, फिर सृजिता, फिर साजिद और बॉटम में है टीना दत्ता। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में टीना बाहर हो जाएंगी? आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि आई एम बैक करके टीना वापस तो आ गई थी, तो क्या इस बार गो बैक करके उसको बाहर भेजेंगे क्या मेकर्स? आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।